करते हैं हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द ब्रिलियंट एकेडमी यूनिक एजुकेशन। मेरा नाम है विजय कुमार और मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि इंग्लिश ग्रामर का है, बेस्ड है ग्रामर पर। इस टॉपिक का नाम है द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। ये टॉपिक थोड़ा सा हमारे जो पिछला जो टॉपिक था जिसमें जिसके ऊपर अपने पिछला वीडियो बनाया था उस टॉपिक से संबंधित ही है और इसी से संबंधित रहेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट के बारे में। आप जानते हो कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट एक बहुत ही एसेंशियल और बेसिक टर्म है हमारे सेंटेंस फ्रेमिंग के अंदर। हम सब जिसको सबसे पहले काम में लेते हैं ये, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता। याद रखिएगा अंग्रेजी में सब्जेक्ट जो वर्ड है उसके लिए एक और सिनोनिम भी है, एक और पर्यायवाची शब्द भी है, सिमिलर वर्ड भी है, डूअर, डी ओ ई आर। डू मतलब करना होता है, डूअर मतलब करने वाला, कर्ता। द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। अब ये कौन सी चीजें हैं इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। फिलहाल एक बार अपने इसके हाइलाइट्स देख लेते हैं, इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला की पॉइंट है व्हाट इज अ सब्जेक्ट। हम इस टॉपिक में, हम इस वीडियो में क्या सीखने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं। नंबर एक चीज की सब्जेक्ट क्या होता है। नंबर फर्स्ट में है व्हाट इज अ सब्जेक्ट, व्हाट इज अ सब्जेक्ट। हमारा जो दूसरा की पॉइंट है वो है व्हाट इज अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। एक बार हम जान लेंगे कि भाई सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, तो हमारे सामने जो नेक्स्ट चीज रहेगी हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। उस एग्जांपल्स के अंदर हम देखेंगे कि हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग कैसे आइडेंटिफाई कर पाए, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहली चीज आ रही है व्हाट इज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है हम बात कर लेते हैं। हमने पीछे पढ़ा था सेंटेंस। एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, कई चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। उसमें नाउन भी होती है, प्रोनाउन भी होती है, वर्ब होती है, एडवर्ब होती है, प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, वो आगे है। लेकिन अगर जो सेंटेंस जो बनता है अगर उसमें उसके काम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम उस सेंटेंस को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। कोई भी सेंटेंस है, जनरल जो सेंटेंस होगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट से। अब सब्जेक्ट होता क्या है, वाक्य में जिसके बारे में बात की गई हो, वाक्य में जिसके बारे में बात की गई हो वो सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं एक जनरल सेंटेंस बोलता हूं राम क्रिकेट खेल रहा है, तो इस सेंटेंस में काम शो हो रहा है कि क्रिकेट खेलना, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि क्रिकेट खेलने की जो बात है, ये जो वाक्य है ये किसके बारे में आया है, तो ये वाक्य अपने को डायरेक्ट पता चल रहा है, बहुत ही सिंपल वे में पता चल रहा है कि ये वाक्य राम के बारे में आया है। वाक्य में जो भी बात कही गई हो, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई हो, जो भी एक्शन के बारे में बताया गया हो, जिसके बारे में बताया जाए वो सब्जेक्ट कहलाएगा। मैं एग्जाम्पल लिख भी देता हूं, राम इज फ्लाइंग क्रिकेट। क्रिकेट के पहले अपने को कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है, नॉर्मल आएगा राम इज फ्लाइंग क्रिकेट। तो इसमें दो पार्ट कर दिए, एक पार्ट ये तो बताता है, ये वर्ड बताता है हमें कि ये सेंटेंस किसके बारे में है, व्हाट What oblique who the sentence is about। कहने का मतलब है जो सेंटेंस है वो किसके बारे में है। दो वर्ड्स लिखे हैं मैंने, दो WH वर्ड लिखे हैं, what और who। अब दो क्यों लिखे हैं, who आ जाएगा लिविंग चीज के लिए,
और ये जो व्हाट है वो नॉन लिविंग के लिए आ जाएगा, हु से व्यक्ति विशेष का पता चलेगा, व्हाट से अपन कोई वस्तु वगैरह है उसका पता चलेगा, और दोनों ही चीजें सब्जेक्ट के रूप में काम में आ सकती है। इस सेंटेंस को अपन वापस देखते हैं, राम इज फ्लाइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेलने की जो इंफॉर्मेशन है, जो बात बताई जा रही है वो किसके बारे में बताई जा रही है, वो बताई जा रही है राम के बारे में। तो राम इस सेंटेंस का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब बात आती है कि प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट को छोड़ के वाक्य का जो पार्ट रहेगा वो पूरा पार्ट अपने आ जाएगा प्रेडिकेट के बारे में। सब्जेक्ट तो ये है कि सेंटेंस किसके बारे में है, जो वाक्य है वो किसके बारे में है, और प्रेडिकेट है कि जिसके बारे में ये वाक्य है उसके बारे में सेंटेंस में क्या आया हुआ है, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सब्जेक्ट तो ये हुआ कि व्हाट या हु द सेंटेंस इज अबाउट, कि भाई जो वाक्य है उसमें किसके बारे में बात हो रही है। और प्रेडिकेट क्या हुआ, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में, प्रेडिकेट वो पार्ट है जो सब्जेक्ट आया हुआ वाक्य, वाक्य में जो सब्जेक्ट आया हुआ है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा या उसके बारे में कुछ बताएगा। कम बैक टू दिस एग्जाम्पल, राम इज फ्लाइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया राम इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। आगे देखें तो राम के बारे में क्या बात बताई जा रही है, राम के बारे में ही तो इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो क्रिकेट खेल रहा है। तो वाक्य का सब्जेक्ट को छोड़ के बचा हुआ भाग जो आपको सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा या कोई भी इंफॉर्मेशन देगा या कुछ बताएगा, वो पार्ट आपके कहलाता है प्रेडिकेट। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा कि एक वाक्य का सब्जेक्ट क्या है और उसका प्रेडिकेट क्या है। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। सब्जेक्ट वो है कि वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है, और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां मैंने लिखा है व्हाट और हु, क्यों लिखा है इसको समझ लेते हैं। कंफ्यूजन हो आपको कि भाई सब्जेक्ट क्या है, तो उसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है, आप वाक्य ले लीजिए, वाक्य की वर्ब पता कर लीजिए, वाक्य ले लीजिए, वाक्य की वर्ब पता कर लीजिए, उसकी क्रिया क्या है, और उस क्रिया के हिसाब से आप पता करिए कि उस क्रिया को करने वाला कौन है, अभी पता चल जाएगा। जैसे सेंटेंस है, राहुल कैन डू दिस जॉब, राहुल है वो ये जॉब कर सकता है, ये कार्य कर सकता है। वर्ब क्या है इस सेंटेंस की, वर्ब है कर्ण, कौन करने की बात चल रही है, किसके करने की बात चल रही है, राहुल की। तो अपन ने इस वर्ब डू से पता किया कि ये जो क्रिया है ये किसके लिए आई हुई है, तो सीधी सी बात है ये क्रिया कौन कर रहा है, ये राहुल कर रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, राहुल हुआ। इस सेंटेंस को देखिए, फैन is mightier than the sword, इसका क्या मतलब होता है, एक पेन में तलवार से
ज्यादा ताकत होती है। एक पेन में तलवार से ज्यादा ताकत होती है। तो अब इसमें किसकी बात की जा रही है, ज्यादा ताकत होने की बात किसके बारे में? ऑब्वियस सी बात है, वो किसके बारे में बात चल रही है, फैन के बारे में। तो ये जो सब्जेक्ट है इसको रिप्रेजेंट करता है हु, और ये जो सब्जेक्ट है इसको रिप्रेजेंट करता है व्हाट। अगर इन्हीं दोनों वाई, क्योंकि अगर अपने को क्वेश्चन फ्रेम करना हो तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, हु कैन डू दिस जॉब, यह कार्य कौन कर सकता है। आंसर क्या आएगा, राहुल, राहुल ये कार्य कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट कौन है, राहुल है। दूसरी तरफ इसमें चले, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, अगर इसमें क्वेश्चन बनाए तो पहला क्वेश्चन व्हाट से बनेगा, व्हाट इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, कि भाई तलवार से भी ज्यादा ताकतवर कौन है, क्या है, तो उसका आंसर आ जाएगा पेन। तो सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हु और जो ये व्हाट है ये दो अलग अलग तरह के सब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करता है, और इसी वजह से हम इसको पहचान सकते हैं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। अगर आपने पकड़ लिया कि सब्जेक्ट क्या है तो बचा हुआ भाग ऑटोमेटिकली किस में चला जाएगा, प्रेडिकेट में चला जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं अपन, सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है और प्रेडिकेट में क्या क्या आ सकता है। मेन चीज सब्जेक्ट वाले समझ लेते हैं, प्रेडिकेट तो क्या कोई अंत ही नहीं है, इट्स अनएंडिंग। सब्जेक्ट में जो मेन चीज आ सकती है, एक तो नाउन और दूसरा प्रनाउन। नाउन संज्ञा, सर्वनाम, नाउन जैसे राम आ सकता है, प्रणाम ही आ सकता है, नाउन राखी आ सकती है, प्रणाम शी आ सकता है, नाउन बुक आ सकती है, प्रणाम इट आ सकता है। ये तो अपने सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। इसके अलावा प्री मॉडिफायर प्लस सब्जेक्ट भी आ सकता है। प्री मॉडिफायर के अंदर मेनली आ जाता है अपने एडजेक्टिव, जैसे जैसे नाउन थी सन, एस ओ एन सन, सन मतलब बेटा, ए गुड सन, अगर ये है सन यहां पे नाउन हो गई, ए गुड यहां पे प्री मॉडिफाई हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है सब्जेक्ट में। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि जो अपन तीसरा जो अपना की पॉइंट रहेगा जिसमें अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है वाक्य में और प्रेडिकेट कौन सा है, तो वहां पे थोड़ा सा क्या कंफ्यूज करने वाले सेंटेंस आएंगे। अगर कंफ्यूज करने वाले सेंटेंस आएगा तो उसमें आपको ये मेन चीज आएगी, अक्सर उसमें सब्जेक्ट को थोड़ा सा उलझा रखा होता है, सब्जेक्ट को पता करना थोड़ा सा हार्ड होता है। एक थोड़ा सा याद रखिएगा, देर से शुरू सेंटेंस, अगर सेंटेंस आपके शुरू है देयर से, जैसा कि आप सुनते हो देयर आर फोर स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, तो उसमें सब्जेक्ट देयर नहीं है। सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा आपको इसमें, देयर नहीं होगा सब्जेक्ट,
ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। There is a book on the table. टेबल के ऊपर एक बुक है। अब जनरल दिमाग लगाया जाए तो ये होता है कि भाई सब्जेक्ट कहाँ आता है, और अपने जैसा कि अपना जो इंग्लिश का बैकग्राउंड रहा है तो उसके हिसाब से अपन नॉर्मली ये मानते हैं कि वाक्य की शुरुआत में, क्योंकि वाक्य सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो उसकी शुरुआत में ही सब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन ये उस प्रकार के वाक्यों का एक्सेप्शन है। अगर वो सेंटेंस देयर इज देयर आर से शुरू है तो उसमें देयर इज देयर आर आपके सब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट कौन होगा फिर? वही बात है, वाक्य में किसके बारे में बात चल रही है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक किताब है, टेबल पर एक किताब है, तो इसमें बात किसकी हो रही है? बात इसमें हो रही है किताब की। तो यहां पर जो वर्ड अ बुक है वो हो जाएगा सब्जेक्ट। तो ये पार्ट और ये पार्ट अपने काउंट होंगे प्रेडिकेट में। क्यों? क्योंकि बुक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी जा रही है, बुक के बारे में आपको क्या बताया जा रहा है, बुक के बारे में ये बताया जा रहा है कि बुक है कहां पे, टेबल पर रखी हुई है। तो क्योंकि ये जो सेंटेंस का जो बाकी पार्ट है ये आपको इस सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, सूचना बताता है, कुछ जानकारी देता है, तो वो पार्ट आपके प्रेडिकेट में आ जाएगा। तो ये यहां पे क्लियर हो जाता है सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट में मैंने बता दिया नाउन आ सकती है, प्रोनाउन आ सकता है, और प्रेडिकेट में आप जानते हो ज्यादा इसमें बताना जरूरी नहीं, क्योंकि बाकी पार्ट पूरा प्रेडिकेट आता है, तो उसमें वर्ब आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। दो चीजें ये मेन है, वर्ब आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब के अंदर क्या क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और मेन वर्ब आ जाएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम पार्ट ऑफ स्पीच के बात करेंगे। ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, नाउन हो सकती है, प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट के पहले भी बिल्कुल सेम नाउन और प्रोनाउन के जैसे प्री मॉडिफायर या पास्ट मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर लगा हुआ हो सकता है। प्री मॉडिफायर वो वर्ड होता है जो नाउन के पहले लगकर नाउन का अर्थ चेंज करता है, नाउन के बारे में और डिटेल से बताता है। पोस्ट मॉडिफायर वो वर्ड होगा जो नाउन के बाद में लगेगा और उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। अक्सर इनमें एडजेक्टिव आते हैं, है ना। अच्छा, वर्ब है तो वर्ब के साथ में एडवर्ब भी आ सकती है, नाउन के साथ एडजेक्टिव आ सकता है तो वर्ब के साथ एडवर्ब आ सकती है, और अदर वर्ड्स भी आ सकते हैं। अदर वर्ड्स में टाइम शो करने वाले, प्लेस शो करने वाले, पर्पस शो करने वाले, मैनर शो करने वाले, अलग अलग तरह के सेंटेंस हो सकते हैं, अलग अलग तरह के सॉरी सेंटेंस के अलग अलग तरह के वर्ड हो सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। आई होप इतनी दूर तक तो अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में तो अपन ने जान लिया कि भाई क्या क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे, हमारा जो तीसरा फेज है जिसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उन एग्जांपल्स के सहारे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ये फेज जो है बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस फेज से हमें क्लियर होगा कि हम ये सीख पाए या नहीं सीख पाए कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। चलिए अपन एग्जांपल्स की बात करना शुरू करते हैं।
चार सेंटेंसेस देख लेते हैं अपन पहले। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ही ब्रदर दोनों एक ही पर्सन को डिनोट करते हैं। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि भाई किसके बारे में बात हो रही है, मेरे भाई के बारे में बात हो रही है या उसके बारे में बात हो रही है, तो अपने को यहां पे यही निर्णय लेना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब जो आ रखी है उसके पहले जो नाउन आ रखी है जिसके बारे में ही आगे बात होने वाली है, अपन उसी को ही सब्जेक्ट में काउंट करेंगे। सब्जेक्ट हो गया ही, बचा हुआ ये पार्ट हो गया प्रेडिकेट। दूसरा एग्जांपल देखो। इस एग्जांपल के बारे में आपको पहले समझा चुका हूं, देयर से शुरू सेंटेंस हो तो उसमें देयर सब्जेक्ट नहीं होता। देयर वॉज ए ग्रेट क्राउड आउटसाइड द होटल, इट्स होटल। देयर वॉज ए ग्रेट क्राउड आउटसाइड द होटल, होटल के बाहर काफी भीड़ थी, काफी ज्यादा भीड़ थी। बात किसकी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि देयर सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट क्या होगा, क्या सब्जेक्ट होटल है, क्या सब्जेक्ट क्राउड है, क्या सब्जेक्ट ग्रेट क्राउड है, या फिर क्या सब्जेक्ट अ ग्रेट क्राउड है। डिटेल में देख लेते हैं, बात किसके बारे में हो रही है, भीड़ के बारे में बात हो रही है। तो ये तो तय हो गया कि दिस वर्ड क्राउड इज अ पार्ट ऑफ अवर सब्जेक्ट, लेकिन इस क्राउड के पहले हमारे पास प्री मॉडिफायर भी आ रखे हैं, वो क्या है, अ ग्रेट। तो इसका मतलब हुआ अ ग्रेट क्राउड, ये पूरा का पूरा अपने काउंट होगा सब्जेक्ट में। और इसके अलावा जो पार्ट बच गया, देयर वॉज और आउटसाइड द होटल, ये जो पार्ट है ये पार्ट अपने काउंट हो जाएगा प्रेडिकेट में। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। तीसरा सेंटेंस चलते हैं अपन। द डॉग रैन आफ्टर मी, कुत्ता मेरे पीछे दौड़ा। कुत्ता मेरे पीछे दौड़ा, किसकी बात चल रही है, डॉग की बात चल रही है। दौड़ने वाला कौन है, एक्शन करने वाला कौन है, काम क्या हो रहा है इसमें, इसमें काम हो रहा है दौड़ने का। कौन दौड़ रहा है, दौड़ तो मैं भी रहा हूं लेकिन किसकी वजह से दौड़ रहा हूं, कुत्ते की वजह से दौड़ रहा हूं। दौड़ने का काम किसका है, मेन कुत्ते का है। द डॉग रैन आफ्टर मी, ये कुत्ता मेरे पीछे दौड़ा। तो इसमें द डॉग हो गया आपने एक सब्जेक्ट और रैन आफ्टर मी ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस, यस्टरडे द स्टूडेंट्स वर कंप्लेनिंग अबाउट द कैंटीन फूड, फूड नहीं फूड। यस्टरडे पीछे वाला दिन, स्टूडेंट्स विद्यार्थी वर कंप्लेनिंग, वो शिकायत कर रहे थे अबाउट द कैंटीन फूड, कैंटीन के खाने के बारे में। काम करने वाला कौन है, काम क्या हो रहा है, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं। काम हो रहा है कंप्लेन करने का, कौन कर रहा है कंप्लेन, स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, द स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हो जाएगा सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट है तो बचा हुआ पार्ट क्या हुआ, बचा हुआ पार्ट हो गया प्रेडिकेट। यहां तक समझ में आ गया। यस्टरडे यहाँ पे अदर वर्ड काम करता है, इट्स ए टाइम एडवर्ब, टाइम शो करने वाली एडवर्ब है। एडवर्ब के बारे में जब डिटेल से पढ़ेंगे तो अपने और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। Go and stand there. Go and stand there. जाओ और वहां पे खड़े हो जाओ। अब इस सेंटेंस को अगर आप गौर से देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो यहां किससे बात की जा रही है, किसको ऑर्डर किया जा रहा है, ये पता नहीं चल रहा। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है,
ये कुछ बात है अपने को सुनी सुनी लग रही है, कुछ जानी पहचानी लग रही है, क्योंकि ये बात अपन ने की थी जब हम से टॉपिक पढ़ रहे थे सेंटेंस। उस टॉपिक के अंदर अपन ने बात की थी कि इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं, उनमें भी ऑर्डर या कमांड वाले ऐसे सेंटेंस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और उनके अंदर सब्जेक्ट अंडरस्टूड पाया जाता है। यहां पर भी सब्जेक्ट क्या है? अंडरस्टूड है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका सब्जेक्ट क्या है, अगर ऑप्शन में कुछ आ नहीं रखा हो, नो सब्जेक्ट लिखा हुआ हो, तब तो ठीक है, वो लिख देंगे। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर आपको यू दिया हुआ है तो फिर अपने को यू को ही सब्जेक्ट काउंट करना है। और ये बचा हुआ पूरा पार्ट, ये पार्ट रहेगा प्रेडिकेट के बारे में। ठीक है, एक सेंटेंस और देख लेते हैं अपन, छठा सेंटेंस देख लेते हैं। ये सेंटेंस देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा सेंटेंस है। द लाइट ब्लू शर्ट, हल्का ब्लू रंग का जो शर्ट है विद अट्रैक्टिव पैटर्न, जिसपे काफी आकर्षक पैटर्न बना हुआ है, काफी आकर्षक पैटर्न का जो शर्ट है, कॉस्ट अ लॉट टू मी, उसकी मुझे काफी कीमत चुकानी पड़ी थी। कॉस्ट का मतलब होता है लागत या कीमत, अगर नाउन हो तो। अगर वर्ब हो तो कीमत या लागत लगना। और इसकी खास बात यह है कि कॉस्ट की तीन फॉर्म्स हैं, वो सेम ही होती है, चाहे वो प्रेजेंट फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो कॉस्ट, चाहे वो पास्ट फॉर्म हो और चाहे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो, तीनों फॉर्म कॉस्ट ही होती है। अब इस ये जो सेंटेंस है, द लाइट ब्लू शर्ट विद अट्रैक्टिव पैटर्न कॉस्ट अ लॉट टू मी, ये जो लाइट ब्लू शर्ट है जिसपे इतना सुंदर पैटर्न बना हुआ है, इसकी मुझे काफी कीमत चुकानी पड़ी थी, अगर मैं इस पे सब्जेक्ट ढूंढना चाहूं तो। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में इस वाक्य में कौन है? वो है शर्ट। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि ये जो शर्ट है उसके साथ प्री मॉडिफायर भी है, उसके साथ पोस्ट मॉडिफायर भी है। तो कहने का मतलब ये हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर सब्जेक्ट के साथ मॉडिफायर आया हुआ है तो उस मॉडिफायर को अपन सब्जेक्ट के साथ ही काउंट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां से लेके और यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट सब्जेक्ट में काउंट किया जाएगा। काफी भयानक दिख रहा है दिखने में, लेकिन सच्चाई तो यही है। शर्ट के साथ जो पहले भी मॉडिफायर आया हुआ है और बाद में भी मॉडिफायर आया हुआ है, वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट में काउंट होगा। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट हो जाएगा प्रेडिकेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे आखिर में याद रखिएगा, अगर वाक्य में एक वाक्य है उसमें दो सेंटेंस आ रखे हैं, कहने का मतलब अगर वो कंपाउंड सेंटेंस हो, दो सेंटेंस आ रखे हो एक सेंटेंस के अंदर, उन दो सेंटेंस से मिलके एक सेंटेंस बना हो, तो उन दोनों सेंटेंसेस के अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, अलग अलग प्रेडिकेट होंगे, ये संभावनाएं रहती है। दोनों का अलग अलग सब्जेक्ट
और दोनों का अलग अलग प्रेडिकेट होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, माई फ्रेंड वॉज वॉचिंग टीवी, मेरा जो दोस्त था वो टीवी देख रहा था। एंड हर वाइफ वॉज कुकिंग फूड, और उसकी वाइफ थी खाना पका रही थी। यहां पे दो अलग अलग सेंटेंस चल रहे हैं, माई फ्रेंड वॉज वॉचिंग टीवी और दूसरा हर वाइफ वॉज कुकिंग फूड। तो पहला जो वाक्य है इसमें सब्जेक्ट होगा माई फ्रेंड, क्योंकि इसमें काम क्या हो रहा है, टीवी देखने का। वो काम कौन कर रहा है, वो माय फ्रेंड कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि वो टीवी देख रहा है, तो ये पार्ट हो जाएगा इसका प्रेडिकेट। और जबकि यहां आगे चले तो एंड को छोड़ते हुए, एंड इन दोनों वाक्यों का पार्ट नहीं है, एंड तो इस टोटल वाक्य का जो एक पूरा वाक्य है उसका पार्ट है, जो कि यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है। और यहाँ पे जो सेंटेंस बचा हुआ पार्ट है, हर वाइफ वॉज कुकिंग फूड, इसमें हर वाइफ ये हो गया इसका सब्जेक्ट और वॉज कुकिंग फूड ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो आई होप अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस से आपको प्रैक्टिस करवाई है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि भाई सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। वापस मैं एक बार एक मिनट के लिए थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। जो काम करने वाला है, जिसको अपन सब्जेक्ट कहते हैं, उसको अपन यहां इस हिसाब से समझते हैं कि वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है दैट इज सब्जेक्ट, और उसके बारे में जो बात हो रही है दैट्स कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट की बात समझ में आ गई। सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हो सकता है, प्रेडिकेट में तो सारी चीजें आ सकती है। उसको पहचानने के लिए अलग अलग तरीके हैं। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बाद में अब हम सेंटेंस के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, नाउन होती है, वर्ब होती है, प्रोनाउन होता है, वो टॉपिक अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे नॉलेज भी गेन हुआ होगा, आपको समझ में अभी आसानी से आया होगा। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग, इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है द ब्रिलियंट अकेडमी यूनिक एजुकेशन। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक इजी वे में और आसानी से समझ आने वाले वे में आपको इंग्लिश से रूबरू करवाएगा। धन्यवाद।